अस्सलाम वीवर्स, उम्मीद करती हूँ कि आप सब हैर वाफियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। तो वीवर्स, आज हम बनाने लगे हैं ढाबा स्टाइल में आलू कीमा। तो इनमें मैं आपको बताती हूँ कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स इस्तेमाल होने हैं। सबसे पहले हमने लिया किलो कीमा और आधा किलो आलू। ये हमने 3 टमाटर का पेस्ट बना लिया है। ये हरी मिर्च हमने थोड़ी सी काट ली है और ये लहसुन और अदरक का पेस्ट है और ये नमक, हल्दी और मिर्च, और एक ये हमने बड़े साइज़ में प्याज काट लिया है और ये काली मिर्च है, ठीक है, और ये गरम मसाला और ये ऑयल। तो आइए व्यूअर्स स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ऑयल डालेंगे इसमें। तो ऑयल हमने आधा कप डाल लिया, इसको अच्छी तरह पहले गरम कर लेंगे। तो व्यूअर्स ऑयल गरम हो गया, अब हम इसके अंदर प्याज ऐड करते हैं, गोल्डन फ्राई करना है इसको हमने इसको। तो व्यूअर्स, अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके और अपने फैमिली मेम्बर्स से भी हमारी वीडियो शेयर कर लें। प्याज हमारा ब्राउन हो चुका है, अब इसके अंदर हम गरम मसाला ऐड करते हैं। तब इसमें टमाटर का जो है और अब हम इसके अंदर अदरक और लहसुन का पेस्ट ऐड करेंगे। और अब इसके अंदर खुश्क मसाला ज़्यादा ऐड करते हैं, हल्दी, नमक और मिर्च। और साथ ही काली मिर्च भी ऐड कर देंगे। तो व्यूअर्स, देखने में तो मसाला अच्छा लग ही रहा है, खुशबू भी बहुत ही प्यारी आ रही है, यकीन जाने मुंह में पानी आ गया। व्यूअर्स, मसाला हमारा रेडी हो चुका है। आपको पता कि जब मसाला घी छोड़ दे तो समझे वो रेडी हो चुका है। तो अब इसके अंदर हम कीमा ऐड करते हैं। तो व्यूअर्स, इसके अंदर कीमा ऐड करते हैं। चलें, तो कीमा हमारा थोड़ा जमा हुआ क्योंकि इसको फ्रीज किया हुआ था, तब ये मसाले में ही ठीक हो जाएगा। बस कीमे में अब हम कसूरी मेथी ऐड करते हैं थोड़ी, इससे बहुत अच्छी खुशबू आती है। खुशबू तो वैसे भी बहुत अच्छी आ रही है पर इससे डबल हो जाएगी। तो कीमा को पता है कि हमने फ्रीज़ किया हुआ था तो इसने थोड़ा सा पानी छोड़ दिया है, तो अब इसको थोड़ी देर फ्राई करेंगे ताकि पानी खुशक हो जाए और कीमा भी फ्राई हो जाए। तो व्यूअर्स, पानी खुशक हो गया, अब हम इसके अंदर आलू ऐड करते हैं। तो व्यूअर्स, तकरीबन इसके अंदर 1.5 गिलास पानी ऐड करेंगे और आप अपनी ज़रूरत के मुताबिक ऐड कर सकते हैं। तो व्यूअर्स, इसको अब हम 10 से 15 मिनट के लिए दम पे लगा देंगे। माशाल्लाह बहुत ही प्यारी खुशबू आ रही है और देखने में भी काफ़ी ज़्यादा डिलीशियस लग रही है, और आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आज की रेसिपी हमारी रेडी हो चुकी है।
होप गाइस आपको हमारी रेसिपी अच्छी लगी, अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।